अलीगढ़ में हुई मासूम बच्ची के साथ हैवानियत के विरोध में रविवार को महिला संगठनों ने एकजुट होकर हस्ताक्षर अभियान चलाया और मासूम के दोषियों को फांसी देने की मांग की। इस दौरान महिलाओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी दर्ज कराया। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए संगठन की नेहा मणि आर्य, निहारिका त्रिपाठी, स्वीटी जायसवाल ने कहा, जनसाधारण की भी अपील रहे हैं इसलिए हम लोग ये करवा रहे हैं। नेहा मणि आर्य, आपने ये देखे होंगे कि इस समय जो नाबालिग बच्ची ट्विंकल के साथ और ऐसी घटनाएं बहुत बच्चियों के साथ होती जा रही हैं, तो उसके विरोध में हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। हमेशा हम एक होता है कैंडल मार्च करते हैं, हमेशा विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। जो अपराधी हो रहे हैं, जो इस तरह की हैवानियत कर रहे हैं, उन पर इसका असर नहीं हो रहा है। इसलिए हमने सरकार से, खासतौर पर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से इस बार मांग की है कि नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह की हैवानियत जो करता है उसे सजा हो, और वो भी फांसी की सजा। हमारे देश में फांसी की व्यवस्था बंद कर दी गई है एक तरह से। हम चाहते हैं कि इस तरह की हैवानियत करने वालों को फांसी की सजा जरूर से दी जाए। तो हमारी यही मांग है, हम पूरे गोरखपुर की महिलाओं, युवतियों, युवक सबके जरिए हम ये माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और अपने देश के कानून में ये बदलाव लाना चाहते हैं कि इस तरह की हैवानियत करने वालों को फांसी की सजा जरूर दी जाए, ताकि उनके मन में डर पैदा हो कि आगे इस तरह की किसी के घर की बच्ची, आपके घर की बच्ची, हमारे घर की बच्ची, इस तरह की ट्विंकल वाली जो हत्या, इस तरह का केस हुआ, वो आगे ना हो। मेरा नाम निहारिका त्रिपाठी है। हम युवा हैं और हमें किसी भी विरोध, किसी भी अपराध के प्रति उठाना चाहिए आवाज़। तो हमारी मांग यही है गवर्नमेंट से कि जो भी ये नाबालिग है या जो भी मतलब इसकी जो हैवानियत जो चल रही है, इसको ख़त्म करना है। इसकी सज़ा अगर हम एक फांसी में तब्दील कर देंगे तो शायद ये चीज़ें ख़त्म हो पाएँ, क्योंकि अभी क्या होता है कि ये वकील और ये मुकदमे चलते हैं, इससे कोई, इसकी एक सीधी सीधी सज़ा होनी चाहिए कि केवल फांसी। और बाकायदे इसमें क्लियर हो चुका है कि वो अपराधी हैं, कई साक्ष्य ऐसे जो प्रकट कर रहे हैं कि वो अपराधी हैं, तो उस पर दुनिया भर के मुद्दे और सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। बस हमारी जो भी युवा हैं, इनकी एक आवाज़ हम गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएँ कि ये मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब हम सोच के जब इतना कांप उठे हैं तो जिसके ऊपर बीती होगी वो जो माँ होगी, मैं एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ। मैंने जब ये सुना तो मैं उस दिन पूरी रात बेचैन थी, मैं सो नहीं पाई थी। तो मेरी मांग गवर्नमेंट से यही है कि इस पर किसी और जगह जाके इधर उधर करने को मतलब नहीं, सीधे उन्हें फांसी की सजा दी जाए। मेरा नाम स्वीटी जायसवाल है। तो मैं कि जो हमारी ट्विंकल के साथ हुआ है वो ऐसा आगे ना हो, उसको फांसी मिलनी चाहिए। अब जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही सजा मिलनी है। इस चीज़ पे हम लोग सब लोग मिल के, सारी महिलाएं, सब सारे बच्चे, सब कुछ मिल के इसको हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान कराया और मुंह पे पट्टी बांध के अपना आक्रोश प्रदर्शित किया है।